ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ସୋମବାର ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ବୁଲନ୍ଦସହର ଜିଲ୍ଲାର ନରୋରା ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ରାଜବୀର ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय व्यतीत किया, लेकिन दृढ़ता के साथ, मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता किए बगैर अपनी लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अगस्त 21 तारीख रे कल्याण सिंह का देहांत हुई थी। मृत्यु बेलू को 99 वर्ष वयस हुई थी। तेरे दीर्घ दिन धरी असुस्थ रहा पर शेष से आखि बुझी प्राय देढ़ मास काल हॉस्पिटल रे चिकित्सित होते से सुस्थ हो पारि नथिले। देहांत परे आज नरोरा घाटे 21 पंडितों द्वारा वैदिक विधि विधान अनुसार कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार करा जाइथिला। सदैव उत्तर प्रदेश अथवा देश उनका जो योगदान रहा है उसे कभी भूल नहीं सकता। उनके न रहने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अवसर पर मैं उन्हें तहे दिल अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल्याण सिंह दुई दुई थर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भार संभाली थिले। खाली सेती कि नुहे से राज्यपाल भाव मध्य निज दायित्व तुलाई थिले। बीजेपी नेतांक मधेरे से बाबूजी नामरे परिचित थिले। तांकर देहांत परे तमाम बीजेपी नेता शोक प्रकाश करिबा सहित तांकु शेष श्रद्धांजलि देइछन्ते। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।